हेलो माय डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल टुडेज डेट इज 8 दिसंबर 2020 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर क्लास थ्री बुक द ग्रामर राइट बुक चैप्टर ट्व माय डियर स्टूडेंट्स रीडिंग द चैप्टर कंजंक्शन हम लोग कंजंक्शन चैप्टर को पढ़ रहे थे राइट हम लोग पिछले क्लास में पढ़े कंजंक्शन क्या है कंजंक्शन आर द वर्ड्स दैट ज्वाइन टू वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस किसी भी दो वर्ड्स या फिर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर कोई भी दो सेंटेंस को जोड़ता है जो वर्ड उसे हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं राइट उसके बाद हम लोग पढ़े एन बट और का यूसेज के बारे में हम लोग क्या किस प्रकार से एन बट और को इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए उसको याद करते हुए आज हम लोग बी को सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन बट और यहाँ पे बोला गया है कि आपको एन बट या फिर और लगाते हुए ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है एन बट और के आपका कंजंक्शन वर्ड है ओके नंबर वन वी हैड इडली डैश सांबार फॉर ब्रेकफास्ट We had idli and sambar for breakfast. Idli ka no kya khai? sambar, to kya hoga and ok. Number two, I like idli dash my brother likes dosa. I like idli but my brother likes dosa. Number three, we went to the shop dash it was closed. We went to the shop and it was closed. Number four, do you want to buy a pencil dash a sharpener? Do you want to buy a pencil or a sharpener? फाइव आई हैव अ पेंसिल डैश आई डोंट हैव अ शार्पनर आई हैव अ पेंसिल बट आई डोंट हैव अपनर नंबर सिक्स विल यू गो टू द मार्केट टूडे डैश टमोरो विल यू गो टू द मार्केट टुडे और टुमारो तो देखिए इस प्रकार से आपको एंड बट या फिर और लगाना है ओके okay? तो सबसे पहले आप एंड बट और का यूसेज को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इन कंजेंशन वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं उसको पढ़ के आप समझ के आप बी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थैंक यू